असं इन्हों चैलेंज करते हैं भी असं आपके बंदी सिंह रिहा करा लाँगे, जे साडे खालसा पंथ च जुरत ना हुई तो तुसी साडे सिंह ना रिहा कराओ करो। वो सोडे मंदिर ढाई जाते सिख भाई सोडे ना मदद करे, मुसलमान वीर आदि सोडिया मसीत ढाई जाते हैं असी सोडे ना मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ा गे। हाँ आर एस एस वाले जरूर असी ध्यान च करा चाहते हैं भी जिहड़ी तुसी गुजी चाल चलाती इहदा जवाब सानू अकाल पुरख देऊगा ना कि दास, ते इस दा जवाब वास्ते वह तैयार रहना उन्हां दियां एक पीढ़ी नहीं तीन पीढ़ियां तैयार रहना इस अकाल पुरख के जवाब वास्ते। बंदी सिंघां दी रिहाई लई लगे कौमी इंसाफ मोर्चे वालों होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, साढ़े नाल निहंग सिंह जी मौजूद हैं जो कि हरियाणे के हैं, तुसीं देख सकते हो उन्हां दे नाल बाज जिहड़ा कि नाल आसन सजाए बैठा है, तो होर सिंह फौजां जिहड़ियां कई इत्थे मौजूद हैं प्रवचन कर रहे सी बाबा जी, तो मैं कहा असीं भी बाबा जी नाल कोई चार गल्लां जिहड़ियां सांझियां कर लईए बंदी मोर्चे बारे, तो पिछे जे जिहड़ा होले मोहल्ले दे उत्ते इक निहंग सिंह दी मौत हो जाती है वो बारे भी बाबा जी ने गलबात करते हैं। बाबे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी, गुरु वाहिगुरु जी का खालसा गुरु वाहिगुरु जी की फतेह जी। बाबा जी पहले तो बंदी सिंघां दी रिहाई लई मोर्चे लगे हुआ है तकरीबन 2 महीने तो वध हो चुके ने, अज सरकारां जिहड़ियां गल भी करदियां भी असी गल अगे तोरांगे जगतार सिंह हवारा जी की पेशी करावांगे, पर मोर्चे दे आगुआं दा सीधा कहना है भी सानू सरकारां ते कोई भरोसा नहीं हैगा, पहले भी सरकारां मुकरदियां रहियां ते हुण भी मुकर रहियां। देखो सरकारां ते भरोसा करना एक बेवकूफी है, सब तो पहला वचन तो यह है। दूजे नंबर ते खालसा पंथ च जे जुरत होई तो असीं इन्हां नूं चैलेंज करते हैं भी असीं आपदे बंदी सिंघ रिहा करा लाँगे, जे साडे खालसा पंथ च जुरत ना होई तो तुसीं साडे सिंघ ना रिहा कराओ करो, ये बेनती है। बाबा जी पिछे जे होले मोहल्ले ते एक कनेडा तो आए विदेश तो आए मतलब एक निहंग सिंह जी सीगे जिहड़े उन्हां दी मौत हो जांदी है, कुछ जिहड़े अणपछाते भी कह सकते हैं कुछ लोग जिहड़े उन्हां वल्लों हमला कीता जांदा उन्हां ते, ते वीडियो वायरल होई काफ़ी, किदा कहना चाहोगे की कहना चाहोगे? देखो तुसीं वीर मैनू लगदा हिंदू फैमिली चों बिलोंग करदे हो, देखो तुसीं साडे भाई हो है ना, हिंदू साडे भाई है, हिंदू सिख ते मुसलमान ये एक रुख के तीन डाणे है जी, तो मोढ़ा इसका वो अकाल पुरख खुद आप, तो असी तो इन्हां दे प्रति तो प्रेम का सुनेहा भी एकजुट होकर रहो, ये सोडे मंदिर ढाई जाते सिख भाई सोडे ना मदद करे, मुसलमान वीर आदि सोडिया मसीत ढाई जाते हैं असी सोडे ना मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ा गे। सो सिख भरावां नाल तां तुसीं देखी जाने हो भी जिहड़ा कुछ हो रहा है। हाँ आर एस एस वालियां नूं जरूर असी ध्यान च करवाउणा चाहुंदे हां भी जिहड़ी तुसीं गुजी चाल चलाती इहदा जवाब सानूं अकाल पुरख देऊगा ना कि दास, ते इस दा जवाब वास्ते वह तैयार रहना उन्हां दियां एक पीढ़ी नहीं तीन पीढ़ियां तैयार रहना इस अकाल पुरख के जवाब वास्ते जो आर एस एस ने यह काम करिया, ये आदि ना अणपछाते, अणपछाता कोई नहीं हुंदा, जदों तां इन्हां ने किसी नूं सिख नूं फड़ना है तां इन्हां कोल थां थां कैमरे गले हुंदे आ लगे हुंदे आ, ते अज साडे जदों सिख दा उत्थे कतल होया भरा दा साडे दा सिंघ दा तां अज कैमरे किधर गए, अज मोबाइलों तो वीडियो किधर गई, जे तो सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ असीं इस 15 दिनां दे विच आउण वालिआं दे विच उत्थों दा प्रशासन सुन ले के तां कन्न खोल के भी आउण वाले 15 दिनां दे विच उह सिंघां दे उस सिंघ दे उत्ते जिन्हां ने वार करिआ उन्हां नूं जिन्हां ने ट्रेनिंग दित्ती है समेत उन्हां नूं लिया के जे तो वह जेलां दे विच बंद करदे आ तां सानूं इन्हां नाल भरोसा है, नहीं फिर असी आने वाले 15 दिनों तो बाद जो अकाल पुरख का हुक्म होया असी उस हुक्म के तहत चलिया जाऊ इन्हों प्रति। बाबा जी पिछे जे प्रकाश सिंह बादल होवे चाहे सुखबीर सिंह बादल होवे सुमेर सिंह सैनी होवे उन्हां ते भी चार्जशीट दायर हुंदी है ते हुण दोबारा उन्हां नूं समनिंग पेश हुंदी है, की कहना चाहोगे बेअदबी कांड नूं लैके जिहड़ी लगातार हुण कार्रवाई शुरू हो गई है? देखो बिल्ली लोगों नूं बलूंगड़े का चूहे का भुलेखा दे के खेडदी है बिल्ली बलूंगड़े नाल, ते लोगों नूं आया भी चूहे मगर पैरी है, लोगों को यह है भी चूहे मगर पैरी है वो आपदे बलूंगड़े ना खेडी जाती है। सो इस उत्ते असीं इन्हां बारे कुछ नहीं कह सकते, बाकी जानी जाणो तुसीं सारे, क्योंकि असीं कूड़ च जाना ही नहीं चाहुंदे,
खालसा पंथ है, खालसा पंथ आपका अग्गा सवरन ते लग्या होया ना कि इस कूट दे विच वड़न ते। असी एकता वधाउण च तुरे होए हैं, सारे धर्मां नूं इक करन च तुरे होए हैं, निमरता च रहण च तुरे होए हैं। तो जो फिर ऐस लुट करते इह जिहियां हरकतां करदे आप दियां आप भुगतणगे, साडा की लैणगे जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਾਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ? ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਮੰਦਰ? ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਗਲਾਂ ਤੱਕ ਉਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਅਕਲਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਕਰਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਾਣੇ 'ਤੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੜ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ? ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ, ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥੱਲਿਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤਫਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸ ਲੁੱਟ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਾ? ਅੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਘਿਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਸਪਿਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਮੂਨੇ। ਹਿੱਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਦੱਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਗਵਤ ਕੇ ਕੀ ਆਦੇ ਉਸਨੂੰ,
हाँ जी मोहन भगवत ओनू बड़ी कच्छ वाले भी दस दें कि भुलेखे च ना रही जी तुम ताड़ ताड़ सोटियां जी दिखाने तो कद एक संतालियां वीडियो पेश कर दो चैनलों पर सिख पंथ कोई भोला नहीं जवाक नहीं भी जिन्होंने तुम ऐस लुटाए कर कर डरा लोगे वो ना हो कि सोडे शास्त्र सोडे ही खिलाफ वरते जा खालसा पंथ जागया होया हूँ खालसा पंथ के कूकर बड़े थां थां वाए हुए है हूँ खालसा पंथ भौंकी जाता है सारे भौंक के जगा रहा है तो फिर जो तो सारा कत्तर हो गया ना खालसा पंथ इन्हों राह कोई गली सीधी थ्यानी नहीं बस इन्नी क बेनती है हूँ तुम होर पुछो बाबा जी गल तुम वाजिब की चलो तो मैं आप गल करते हैं एक बंदे छुड़ाने पिछे हज़ारा की तादाद के लोग जोड़े उन्होंने पहुँचते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी पालकी भी उत्थे मौजूद होंगी है हालांकि पालकी साहब का बहुत जोड़ा है आदर है गुरु ग्रंथ साहब जी का सारे मन में सारे दे उत्थे ले जाने गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी क्या चंगी गल सी देखो मैं ऐ दसो एक गल का जवाब दो जमा सही एक गल का जमा सही जवाब देना मैं सोडे राही उस जवाब सवाल का जवाब पूछूँगा जो पुत दे सट्टां वजदियां होण प्यो उत्थे हाजिर नहीं हुंदा सच वचन दसो हुंदा ना तो जिथे प्यो की गल होवे पुत्र हाजिर हुंदे आ यह प्यो पुत की गल है ना कि गुरु ग्रंथ साहब तुसीं किताब मन्नी बैठे गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं हो भाई वह साडी जागदी जोत है साडा प्यो है साडा आगू है हाँ जे तुसीं मनदे हो सारे तो वह सारे धर्म का आगू है देखो है कि नहीं जो सारे धर्मों का सत्कार करते सारे पीरां गुरां दी उहदे विच बाणी दर्ज है तो फिर वो जो आप जागदी जोत जे उन्हें जाके अगवाही कर ली थाने दी जागदी जोत उस अकाल पुरख ने की माड़ा हो गया उस अकाल विरोधी विरोधी सवाल चक रहे ना बार बार भी बेअदबी तो अमृतपाल ने की है उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी ले जाके ओट ली है उन्होंने विरोधी तो चुंडियां बड़ बड़ देंदे भी यह जागदे के सुते है उन्होंने आदि भी जागदे हैं असी ना सानू यह जी गल करो वो बेवकूफियां कर रहे हैं सो मैं वीर अमृतपाल भी आदा है भी केरा आपां बहीर नूं रोक के जेड़ा आपां मेन देखो आपां अपना वीर तीजे दिन छड़ा लिया तो अपने यह वीर देखो भी सालां दे अंदर है आपां इकत्तर होकर तीह सालां दे सॉरी तीह सालां दे अंदर है आपां इत्थे इकत्तरता ही दिखाई गए इकत्तरता ही दिखा के इत्थे जोर पाईए इत्थे जिहड़े नाले मीणे मसंद आ उन्हां नूं लोट कर लगे तुसीं इकत्तर होकर बापू जी गुरचरण सिंह जी की अगवाही दे हेठ जिन्हें उन्हां दे नाल सहयोगी है सही काम करने वाले है जिहड़े माड़े वाले वो आपे झड़ जाणगे जिहड़े सही काम करने वाले है उन्हां दा सहयोग देईए अमृतपाल वीर नूं इत्थों बगार कर रहे हैं असीं भी देखो साढ़े बड़े वडेरे जेलों के बंद ने जिन्हों को गुणा के खजाने है आप पहला गुणा के खजाने वाली तुर गए ना कि इधर उधर आप सारे इकत्र हो के प्रेम नाल चल के आप नफरत नाल भी नहीं चलना प्रेम नाल चल के हाँ खालसा पंथ ने जो टक्कर लाऊगा फिर वह जवाब तुम देख ही लिया उत्थे मिलेगा तो असी निम्रता नाल चल के अगे वधना चाहते हैं तो वीर अमृतपाल की इत्थे असी हाजरी मंगते हैं भी वीर अमृतपाल मोर्चे दे विच आवे असी हरियाणे तो मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ांगे विच साडे इत्थों पंजाब तो भी वीर बड़े ने वह भी मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़नगे सो इत्थे आउण दी वड्डी जरूरत है रही गल वीर अमृतपाल ते उंगलां ठाउण वालियां दी वो मत पातशाही बख्शणगे उन्होंने जे ना आई तो फिर अकलदान सिंह को फिर वो कर देंगे फिर बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू हालांकि बहुत बोलते हैं तो पिछले जे सैशन के साडे नाल सवाल बात हुई तो कहते अमृतपाल सारे जड़े कांड हो रहे हैं पिछले जे मणिकरण साहब के जड़ा हुड़दंग मचिया कार्रवाई सिंघा तो उस तो बाद उन्हां ते कहा जाता है भी यह पंजाब का माहौल जोड़ा 1984 वाला दोबारा लियाना चाहता है ये नौजवान मरवाना चाहता है रवनीत बिट्टू नू मेरे वीर नू वह भी साढ़े आप दे सिखां दा ही मुंडा है राह भटक गया कोई गल नहीं उहदा दादा राह भटकया सी उसनू उहदा फल मिल गया रवनीत बिट्टू नू मेरे वीर नू यह बेनती करदे आ कि तू 5-10 मिनट कढ के साढ़े नाल गुरमता कर ला उस तों बाद तू जिहड़ा कुछ बोलना बोल ली बस इन्नी क बेनती वह भरा वास्ते है जो भरा सानू आपदे मंनदा है वह आहदा भी मेरे नाल सारे सिख पंथ नाल मेरा वैर नहीं नहीं वैर तां दास जबरजंग सिंह दा नंबर 80592-0-3133 साढ़े नाल बैठ के वह गलबात करे जिवें वह कहिंदा फिर जे वह साढ़े तो है भी है ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ
दस दो जो टुट जू तो सारा साढ़े सारे की जड़ परमेश्वर है तो सारे परमेश्वर जुड़े है तो फिर टुट किवें जाणगे ये उन्हां दी बेवकूफ़ी है। रही गल सरकारां दी सरकारां नूं आदे सियाणे हो जाओ जदों कोई किसी का दिमाग हल जिन्हां नूं दवाई दित्ती जांदी है सो ये सरकारां दा दिमाग हल्लिया पिया है इन्हां वास्ते दवाई खालसा पंथ रगड़ी जांदा तैयार करी जांदा इत्थे बैठ के जदों समां आ गया दे दांगे। ऐसी बाबा जबर सिंह जी ऐसी बाबा जबर सिंह जी जिन्होंने जिहड़ा बंदी मोर्चा दी लग्या हुआ कौमी इंसाफ मोर्चा उस दे विच मौजूद बाबा जी संगतां नूं वचन कर रहे सन ते साडे नाल गलबात कीती। नवनीत सिंह बिट्टू नूं भी साडे नाल सांझ पाउण दी गल कीती भी उह साडे नाल आ के गुरमता कर लैण ते उस तों बाद पता लग जाएगा। तो आर एस एस से निखेधी करते हुए गलबात कीती अमृतपाल नूं भी बेनती कीती है भी एक बंदा छुड़ाउण पिछे तुसीं जिहड़ा कि तीजे दिन ही इकट्ठे हो गए तो इत्थे जिहड़ी है लोड़ है बंदी सिंघां दी रिहाई लई जिहड़े 30-30 साल तो अंदर जेलां च बंद है उन्हां नूं छुड़ाउण दी लोड़ है तो अमृतपाल नूं मोर्चे दे विच आण दी गल एक बार जरूर कही है। फिर दोबारा तो स्काई न्यूज़ पंजाब पहुँचे कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच कैमरामैन अंकित दे नाल विजय वोरा स्काई न्यूज़ पंजाब मोहाली।